पहले भी कांग्रेस ने कबाड़ा किया मध्य प्रदेश का, किया था कि नहीं किया था बताओ? 2003 तक मध्य प्रदेश की हालत क्या थी? अरे कहीं सड़कें थी क्या? जोर से बताओ थी क्या? बिजली थी क्या? पानी थी क्या? और जब सवा साल के लिए कमलनाथ आए तब क्या हाल था मेरे भाई? ईमानदारी से बताना, बताओ विकास के कोई काम हुए क्या? आज मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को ठप्प करने का पाप किया तो कमलनाथ ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास भेजे, कमलनाथ दादा ने वापस लौटा दिए कि हमें जरूरत ही नहीं है। गरीबों के साथ धोखा किया। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी ने गांव गांव में नल से जल देने के लिए प्रारंभ किया, कमलनाथ ने जल जीवन मिशन प्रारंभ नहीं होने दिया। अरे और तो और किसान सम्मान निधि दे रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, किसानों के साथ क्यों अन्याय किया बताओ? किसानों की सूची नहीं भेजी दिल्ली और इसलिए लाखों लाख किसान किसान सम्मान निधि से वंचित रह गए। एक नहीं अनेकों योजनाएं प्रधानमंत्री जी की धरती पर मध्य प्रदेश के लागू नहीं करने का पाप किया तो कमलनाथ ने किया। और अपने समय की जितनी योजनाएं थी सारी बंद, संबल योजना बंद कर दी। बोलो बताओ बंद की थी नहीं की थी? अरे जोर से बताओ की थी कि नहीं? संबल योजना बंद, बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। मेरी बहनों, बेगा भारिया सहरिया बहनों को हम 1000 रुपया देते थे आहार अनुदान भत्ता, उन गरीब बहनों के 1000 रुपया भी कमलनाथ ने छीन लिए। लाड़ली बहनों, भरोसे में मत रहना। ये लाडली बहना तभी है जब अपनी सरकार है। अगर ये आ गए तो न लाडली रहेगी न बहना रहेगी। इनने बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, इनने बेटियों की शादी जरूर करवाई लेकिन बेटियों को पैसे दिए क्या? अरे दिए क्या? कन्यादान करके पैसे नहीं दिए। इनने तीर्थ दर्शन बुजुर्गों बंद करवा दिया तुम्हारा। हम रेल से ले जाते थे, कमलनाथ जी बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा था? तुमने तीर्थ दर्शन भी बंद कर दी। अब अपनी सरकार आई तो तीर्थ दर्शन फिर चालू, केवल रेल से नहीं अब हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन करने अपने प्रदेश के बुजुर्ग जा रहे हैं।